बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों, अगर आप MSP रिचार्ज पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं और आपको बैलेंस ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप MSP रिचार्ज पोर्टल के जो वैलेट है उसमें बैलेंस कैसे ऐड करते हैं। तो ये इस जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आप सीख पाएंगे कि कैसे बैलेंस ऐड करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ़ोनपे का इस्तेमाल करने वाले हैं और फ़ोनपे के माध्यम से जो है इसमें हम बैलेंस ऐड करेंगे। बैलेंस ऐड करते ही जो इंस्टेंट पेमेंट आएगा ये सारा लाइव प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐड मनी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड मनी पर क्लिक करते हैं तो आपको वैलेट टॉपअप का विंडो खुलता है जिसमें दो ऑप्शन दिया गया है, एक फंड रिक्वेस्ट का, दूसरा पे विथ पेटीएम। तो आपके दूसरा वाला पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दूसरा वाला पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का वैलेट टॉपअप का विंडो है, यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी दिया गया, ऑर्डर आईडी के नीचे अमाउंट मांगा जा रहा है तो इसमें आप अमाउंट डाल देंगे। तो चलिए, हम डेमो के लिए कवर रहे हैं तो हम सिंपली सिर्फ एक रुपया ही डाल रहे हैं, एक रुपया से ही बता रहे हैं। अब यहाँ एक डालेंगे सिंपली, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन दिया गया है, पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, आप ओके पर दबा देंगे। ओके पर दबाने के बाद क्या होगा कि ये आपका जो पेज जो है एक संकेत टाइप का चलेगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कि कैसे करना है। तो आपको ये इस तरह का पेज खुलेगा, तो आपको नीचे में एक UPI का ऑप्शन दिख रहा है, UPI को आपको दबा देना है। UPI को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फ़ोनपे का User ID होगा वो आप इसको डाल देंगे। तो जैसे हम फ़ोनपे का User ID डाल देते हैं, ऐसे फ़ोनपे का जो User ID होता है वो आपका मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करना है, आपको @YBL लिखना है। YBL मैंने अपना फ़ोनपे जो है उसका नाम चेंज कर दिया है, मोबाइल नंबर की जगह अपना नाम रख दिया है तो इसलिए मैंने ये अपना नाम लिखा है। आपका जो है फ़ोनपे का नंबर ही होगा, जिस नंबर से आपने फ़ोनपे बनाया होगा वो नंबर डालना है। उसके बाद @YBL डालना है। इसके बाद क्या करना है, आपको पे पर क्लिक कर देना है। आपको जितना भी पे का अमाउंट भरे होंगे उतना पे लिखा होगा। इसके बाद आपका जो है इस तरह का स्क्रीन खुलेगा, तो आपको इसको बैक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो चलिए हम फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। यहाँ हमारा फ़ोनपे एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करते हैं। अगर आपने कोई लॉक लगाया होगा तो वो लॉक स्क्रीन लगा दीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा, आपका ये लॉक ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद हम बताते हैं, जैसे कि हमारा ये स्लो चला है थोड़ा इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट फास्ट हो तो काम करने में भी मज़ा आता है। चलिए, हमारा ये नए ये अपना लॉक खोला तो आपका इस तरह से ये स्क्रीन खुला है फ़ोनपे का। थोड़ा ही देर में आपका पे का जो है रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पर आ गया रिक्वेस्टेड बाई जो है पेटीएम ऑफलाइन दिख रहा है, यहाँ पर अमाउंट भी दिख रहा है जितना मैंने ऐड किया था, और नीचे पे का ऑप्शन दिया है, आपको पे पर दबा देना है। जैसे आप पे पर दबाएंगे तो आपका बैंक का नाम दिखाएगा, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा, आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। आप जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है UPI पिन मांगा जाएगा, आप UPI पिन डाल देंगे, वहाँ सक्सेस होगा। तो चलिए हम UPI पिन डाल देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने का दिया कनेक्टिंग सिक्योरली लिखा है, थोड़ा ही देर में ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ से आपको क्या कर देना है, डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने का इसको डायरेक्ट बैक कर ना करके डायरेक्ट आपको MSP वाले पे आ जाना है। MSP वाला पे आएंगे तो आपको जो इस पेज को ओपन कर लेना है, इसको बैक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसको ओपन करना है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से रिट्राई कर दिए, थोड़ा नेटवर्क स्लो होने की वजह से इस तरह से ऑप्शन खुला था। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपका वैलेट में जो है बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने वैलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।